मैंने मासी को बोला था 5 बजे की हमारी ट्रेन है, और हम लोग 5:30 पे जा रहे, 5:30 बजे ट्रेन छूट गई। तो फिर मैं जब पानी मतलब बारिश आती है ना, तो पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है ये, क्योंकि ये रुबरू जाके करवा के आ जाता हूँ। भाई आज पूरा दिन मेरा खराब था। पहले सुबह 4 बजे उठा तो टिकट कैंसिल हो गया। टिकट कैंसिल साइन दिखा रहा है भाई, अभी देखो चालू कर रहा हूँ, देखना पूरा रोड डूब जाता है पूरा। ये क्या मस्त लग रहा है भाई इधर से, कसम से। बाकी अभी इधर ना मेरे को एक बार R1 लेके आने का राजस्थान में, बहुत जल्द लेके आऊँगा, एक बार मॉडिफाइड करवाऊँगा, मेरे सब्सक्राइबर भी थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे, फिर मैं लेके आऊँगा भाई। लगा पूरी गाड़ी ओवर कंट्रोल हो गई, फिर भी इस गाड़ी ने अच्छा खासा कंट्रोल किया एंड मुझे बचा दिया भाई। ये चेक कर, हेलो राजस्थान की बस। पालनपुर पे कुछ 5 मिनट का होल्ड था, लेकिन भीड़ बहुत है भाई, जल्दी चलना पड़ेगा अभी अंदर भाई, जगह ही नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई सुबह सुबह 4:20 भाई नहा धो के तैयार हो गया हूँ एंड आ चुका हूँ अपने HF को लेके, बिकॉज मेरी R1 जो मैंने अपने फ्रेंड के घर पे रखी है, मैं जा रहा हूँ राजस्थान भाई 2 दिन के लिए, तो अपनी बाइक का ध्यान तो सही जगह पे रखना पड़ेगा, नहीं तो ख़राब हो सकती है। तो फिलहाल मैं ब्लॉग शुरू करने आया था ये साइड, एंड फिर इधर से मैं जाऊँगा दूध लेने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ की जो डेयरी है नॉर्मल वो 5:30 बजे खुलती है, और अभी बज रहे 4:20, मेरे को 4:05 बजे तो घर से निकलना है। तो इधर एक दूध की डेयरी अमूल की हमारे वहाँ बड़ी, तो उधर से दूध दूध लेके आते भाई। और भाई बहुत दिनों के बाद आपको मेरी जानू दिखी होगी, ये भी मेरा मतलब बहुत साथ दिया, 2 साल तक मैंने इस बाइक को चलाया भाई, कल इसने मेरे को बचाया भी है भाई। कल जब मेरी गाड़ी चला रहा था ना भयंकर, चालू बाइक पे क्या हुआ पता है, यहाँ से पता नहीं कुछ निकला बाहर बराबर, एंड पूरा टायर जो है ऐसे हिलने लगा, पूरी गाड़ी ओवर कंट्रोल हो गई, फिर भी इस गाड़ी ने अच्छा खासा कंट्रोल किया एंड मुझे बचा दिया भाई। मतलब पूरे टायर जैसा पूरा ऐसा ऐसा हो गया, पूरा भयंकर पूरा गाड़ी हिल गया, और गाड़ी थी 50-60 की स्पीड में चल रही थी भाई। पूरा खाली रोड मिलता है ना, तब मैं क्या ट्राई करता हूँ कि भाई अपने को स्पीड थोड़ा अच्छा लगता है, 60-50 की स्पीड में चलाता हूँ मैं गाड़ी को, बट अच्छा हुआ गाड़ी की मतलब गाड़ी ने अपना साथ दे दिया, और भी पता नहीं किसी ने रक्षा की तो धन्यवाद। बाकी बहुत मतलब ऐसा हुआ कि नहीं भाई बच गया, धड़कने तेज़ हो गए थे भाई, मरते मरते बचा, लेकिन अगली बार ध्यान रखेंगे गाड़ी धीमे ही चलाने की भाई, ये बात तो है, गाड़ी स्पीड में चलाने की ही नहीं। कभी कभी किस्मत अच्छी होती है, रोज़ रोज़ किस्मत अच्छी नहीं होती। तो दूध दूध लेते एंड सीधा आपको हो सका तो सीधा स्टेशन में मिलते, ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गो। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन, बट एक दिक्कत हो गई है यार, सुबह आया था 4 बजे, मैं 4 बजे उठा था एंड 5 बजे तक रेडी हुआ, मेरी मासी नहीं उठी, और 5 बजे की हमारी ट्रेन थी। मैंने मासी को बोला था 5 बजे की हमारी ट्रेन है, और हम लोग 5:30 पे जा रहे, 5:30 बजे ट्रेन छूट गई। तो फिर मैं गया काकरिया मासी को लेके, अभी बज रहे 8:00 बजे तक काकरिया में बैठा, 3 घंटे मस्त काकरिया में बैठे, और अभी भी 10 बजे हमारी ट्रेन है भाई। तो ये तो दूसरी ट्रेन खड़ी थी इधर, इसलिए मैं ब्लॉक करना आया, बाकी ये ट्रेन बहुत मस्त है भाई, देखा तो इसका इंटीरियर दिखा रहा हूँ, पूरी ट्रेन खाली है, इधर लगी हुई है लास्ट छेक तक दिख रही है भाई, ये साइड भी लास्ट छेक तक दिख रही है, और मेरी मासी लोग इधर बैठे, मेरे मासी और मेरा भाई उधर बैठे आ गए। मैंने बोला बैठो, थोड़ा वीडियो बना के आता, व्लॉग नहीं किया, बाकी सब परेशान हो गया, सब सेटअप मतलब बिगड़ गया। अभी शायद ही मैं राजस्थान जाऊंगा, अभी मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अभी अगर 10:30 बजे ट्रेन आएगी तो 12 सुबह शाम को 6:05 बजे तक पहुँचाएंगी भाई, और मेरे को ये नहीं पहुँचाएगा, मैं अभी कल दुकान पर भी जाना है भाई। हाँ मतलब मैंने ना एक्साइटेड किया था कि भाई देखो अगर मैं सुबह निकलता हूँ ना, कि अगर मैं इधर से घर से निकलता 7 बजे तक, अगर मेरी ट्रेन निकलती ना तो 1 से 2 बजे तक पहुँच जाती राजस्थान, और 2 बजे तक मैं घर पे पहुँच जाता, और मतलब मैं आराम कर सकता था, रात को 10 बजे की मेरी रिटर्न बस थी, ठीक है, तो मतलब बीच में 8-9 घंटे में आराम कर सकता था। लेकिन अभी हुआ आज कुछ उल्टा है, अभी 8-10 बजे तो मेरी 11:30 बजे तो मेरी ट्रेन लगेगी, 12 बजे तो निकलेगी एंड पहुँचेंगी शाम को रात को 8-9 बजे, और वापस बैठ जाने का, और वापस सुबह दुकान जाने का, तो सेट नहीं होगा भाई, फिर भी ट्राई करते, होता है तो जाते, नहीं तो फिर ही कैंसिल कर देंगे। फाइनली ट्रेन तो आ गई हमारी एंड हमको सीट भी मिल गई अभी, बट अभी ऐसा है कि हम लोग व्लॉग नहीं बना सकते, तो जैसे स्टेशन आएगा वैसे हम लोग व्लॉग बनाएंगे, तो अंदर जाके बैठते हैं, चलो। मैं पालनपुर, और पालनपुर पे कुछ 5 मिनट का होल्ड था, लेकिन भीड़ बहुत है भाई, जल्दी चलना पड़ेगा अभी अंदर भाई, जगह ही नहीं है, तो चलते जल्दी से अंदर। अभी सीधा माउंट आबू रुकता, आबू रोड रुकते, माउंट आबू क्या, अभी सीधा आबू रोड पर मिलते हैं आपको। फाइनली अभी हम लोग पहुँच गए
बहुत मेहनत के बाद पहुँचे, मतलब बहुत तकलीफ के बाद पहुँचे, चालू डब्बे में बैठे थे, बहुत भीड़ है देखो तो सही। तो अभी निकलते बाहर और ऑटो में बैठ के सीधा मासी के घर पे जाते हैं। रात को मुझे वापस रिटर्न भी होना है, 10 बजे की बस है मेरी रात को, अभी 6 बज रहे हैं भाई, क्या ही आराम मिलेगा शरीर को, फिर कल दुकान, यही लाइफ है भाई। इसमें थोड़ा सा टाइम मैं व्लॉगिंग में निकाल देता हूँ, तो इन्जॉय करो व्लॉग, और क्या है, चलो टट्टा। और यह कुछ जवाई बांध भाई, जवाई बांध, ऑटो में बैठ चुके हैं और ये देखो राजस्थान की हरियाली हुआ है। राजस्थान की बस। सो गाइस फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं एंड अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे काम है, मेरे मासी जैसे चाय बनाती है, तब तक मैं जिस काम के लिए जा रहा था वो काम करते, ठीक है। सो गाइस चलो, मैं जिस चीज के लिए आ रहा हूँ वो भाई ये गाड़ी के लिए भाई, मेरे को 4-व्हील चलाने का भी थोड़ा थोड़ा कीड़ा हो गया है, तो चलाते हैं भाई चलो। सो गाइस मैं इधर आया और भाई मतलब सही से बता रहा हूँ, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं इधर मेरे मासी को रखने में वैगनर को चलाने के लिए आया था भाई, क्योंकि आज छुट्टी थी और छुट्टी को मेरे को कुछ नया ट्राई करना था, बट ये तो चालू ही नहीं हो रही है मेरे से। इसमें मेरे को लगा पेट्रोल नहीं होगा, तो मैं पहले गाड़ी लेके जाके पेट्रोल लेके आया, वो उसके अंदर डाला, फिर भी कुछ काम नहीं हुआ, इसका एसी तो बंद ही है, साइन दिखा रहा है भाई, अभी देखो चालू कर रहा, देखना चालू हो रही है लेकिन फिर बंद हो जा रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, कुछ आइडिया? पसीने से ना गया यार, इतना सब सपने देखे थे भाई कि उधर जाके मतलब चलाऊंगा गाड़ी, चलाऊंगा। वैसे मेरे को ना थोड़ी बहुत आती है, मैं चला लेता गाड़ी, मैंने एक बार दो बार और भी चलाई थी यही गाड़ी, और मेरे दोस्त की भी मैंने गाड़ी चलाई हुई है भाई, बट चालू ही नहीं हो रही है, एसी भी इसका भैंस की आँख पता नहीं क्या है, चालू ही नहीं हो रहा है एसी, गाड़ी चालू नहीं हुई तब तक शायद चालू नहीं होगा ना, ऐसा ही कुछ लगता है। सो गाइस मतलब है ना, गाड़ी तो मुझसे चालू हुई नहीं, तो आए चाय वाय पी, और मेरे मामा के लड़की जो इधर ही है उसके गांव इधर से कमरे के 22-25 किलोमीटर दूर है, तो मैं जाके आता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपसे एक मेहमान से मिला था जो मेरे मासी के घर पर लिखा था, ये चेक करो। हेलो, कछुआ गाइस, डर लगता है लेकिन चाहिए। सुबह मेरा एक और प्लान कैंसिल हो गया भाई, इधर आया था लेकिन इधर मैंने ना एक्टिवा पेप्सी बोल क्या बोलते पेप बोलते भाई, उसमें मतलब मैं दूर लेके नहीं जा सकता, तो वो प्रोग्राम भी कैंसिल, मेरे मामा का लड़की को मिलने जाने का, अभी 10 बजे बस है तो 10 बजे तक इधर ही घूमूंगा मार्केट में, तो मेरे को गुस्सा जैसे बंदूक से मैं उसे गोली मारूंगा, देखो उल्टा आदमी पकड़ सीधा आदमी पकड़ता हूँ, हाँ कहाँ मारो, इस बॉटल को मारता हूँ, भैंस की आँख से आज बचिए, चिंगम का चंगुल से बचना नामुमकिन है। तो भाई थोड़ी देर बाद मिलते, सब मूड ऑफ हो गया, इधर इतनी दूर आया था जिस काम के लिए वही काम नहीं हुआ, बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, टाटा। सो गाइस उधर से मैं तब निकल गया था उधर से, एंड फिर मैं गया था बर्गर खाने के लिए, एंड अपने जो है मतलब रात की टिकट बुक नहीं हो पाई थी, तो मैंने सोचा आज रूबरू जाके करवा के आ जाता हूँ भाई, आज पूरा दिन मेरा ख़राब था, पहले सुबह 4 बजे उठा तो टिकट कैंसिल हो गया, टिकट कैंसिल हो गया तो काकरिया गया, काकरिया थोड़ा बहुत घुमा, फिर वापस गया तो वापस टिकट मतलब ट्रेन लेट हो गई, अभी ट्रेन लेट यहाँ पर पहुँची तो यहाँ इधर आते ही मेरे जो बाइक मिलने वाली थी वो बाइक नहीं मिली, और फिर जो टिकट बुक होना था रात के वो भी नहीं हुआ भाई, इधर तो पानी भरा हुआ है नदी का, ये जवाबान नदी का डैम बोलते हैं भाई, देखो इधर पुल भी, पानी भरा हुआ है पुल के ऊपर भाई, रिवर क्रॉसिंग है, तो चलो रिवर क्रॉसिंग करते हैं भाई, रिवर क्रॉसिंग है भाई, ये नदी है भाई, पानी निकल रहा है, भैंस की आँख, जब पानी मतलब बारिश आती है ना तो पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है ये, क्योंकि ये रोड थोड़ा जो है नीचे दबा हुआ है, ये जगह पर नदी बोलते हैं, अभी जैसे पानी थोड़ा कम है, फुल हो जाने दो तो ये पूरा रोड जो है पूरा रोड डूब जाता है पूरा, ये क्या मस्त तो लग रहा है भाई इधर से कसम से। बाकी अभी इधर ना मेरे को एक बार R1 लेके आने का राजस्थान में, बहुत जल्द लेके आऊँगा, एक बार मॉडिफाइड करवाऊँगा, मेरे सब्सक्राइबर भी थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे, फिर मैं लेके आऊँगा भाई,
अभी मैं बिना विसूल का मतलब बहुत खर्चा करता हूँ यूट्यूब के पीछे यार, लेकिन यूट्यूब वाले जो मेरे वीडियो वायरल ही नहीं करते, थोड़ा बहुत व्यूज़ भी नहीं लाते, बस 100-200 व्यू ला के छोड़ देते यार, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई नहीं, अभी पैप लेके निकले, एक मेरा दोस्त जो रहता है उधर, उसको मिलते आते, क्या पता वो मिल जाए तो आज मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा। ना ही भाई, इतना दूर आया कुछ तो मेरा फ़ायदा होगा, नहीं तो मेरे को गाड़ी चलाने भी नहीं मिली, मेरे को मतलब 2-3 काम और थे वो भी नहीं हुआ, मेरे मामी को मिलने जाना था, वहाँ भी नहीं बाबा जा पाया भाई, सब मतलब है इसकी, हाँ क्या बोल, मूड ख़राब हो गया, और सुबह वापस दुकान जाने का है, बहुत मतलब दिमाग ख़राब हो रहा है, बट क्या कर सकते, चलो जाते ना। आज का दिन मतलब ऐसे ही समझूगा कि संडे था, अरे सॉरी छुट्टी थी, छुट्टी के दिन बाइक लेके पूरा दिन घूमा बस, अभी रात को मतलब बस में जाके देखना है भाई नींद आती है कि नहीं आती है, बाकी दोस्त से जाके मिलता हूँ एंड फिर आपसे मिलता हूँ, टाटा। सो गाइस फाइनली जो अपनी गाड़ी जो स्टार्ट हो गई है भाई, मतलब इतनी मतलब इतना कोशिश किया उसके बाद चालू हुई भाई, लेकिन चालू हो गई भाई, बहुत मज़ा आया। सो गाइस ठीक है रेडी, तो मज़ा आया भाई। ठीक है फर्स्ट गियर, वैगनर चला रहा हूँ फर्स्ट, तो बस आप लोग आगे का रास्ता देखो भाई, ध्रुव भाई ड्राइव कर रहा है, ठीक है चलो तो बस जिस काम के लिए आया था भाई हो गया फाइनली भाई, मतलब ये वैगनर वो गाड़ी है जिससे मैं मतलब फोर व्हीलर चलाना सीखा था, ये मेरे मासी की गाड़ी है, मेरे मासा की गाड़ी है भाई, बट मैं जो भी फोर व्हीलर चलाना इसी से सीखा हूँ भाई, और मैं भूल नहीं सकता कि भाई मेरे को इस गाड़ी ने क्या क्या सिखाया भाई, मतलब मैं भूल भी नहीं सकता, इतना पक्का मेरे ड्राइवर आ गया, मतलब इसका जजमेंट सब वैगनर का। बस अभी एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, 5-6 महीने जैसा लगेगा, बट एक सरप्राइज है, ठीक है वेट करना। बाकी भाई R15 के बाद ये मेरी मतलब लव है R15 के बाद, क्योंकि भाई मैं तो भाई वही सपने देखता हूँ, उन्हें से लव करता हूँ जो मतलब मेरे अंदर हो, तो यार ये गाड़ी मस्त लगती है मुझे भाई, कसम से चुम्बेश्वरी, मिलते बहुत जल्द, क्या बोलते हो, ठीक है बाय टाटा। तो बस गाड़ी को तो अच्छी तरह से बंद कर दिया है एंड अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे को 10 बजे की बस है और अभी 9:50 तो हो भी गई है भाई, तो फटाफट से निकलते गाड़ी से बाहर एंड निकलते भाई, बाकी मज़ा आया भाई। वैगनर तो वैगनर, अरे यार इसका स्टैंड थोड़ा टेढ़ा है, सीधा करके रखते हैं, ठीक है फिर मिलते हो टाटा। तो बस गाड़ी वाली चला के मैं आ गया हूँ बस स्टेशन पे, मेरी बस आने का टाइम हो गया है भाई, तो सामान वामान लेके आ गया, बाकी बहुत मज़ा आया, फिर आपको बस में मिलते डायरेक्ट, ठीक है भाई। तो बस फाइनली अपनी बस आ चुकी है एंड भाई कसम से बोल रहा हूँ, आज तक मैं इतना ट्रैवल किया मतलब इतना कभी नहीं थका, क्यों इसका रीज़न भी मेरे को बता देता हूँ, इसका रीज़न इसलिए भाई कि मैं सुबह ना 3:30 बजे उठ गया था, और आपको पता है मैंने व्लॉग कितने बजे शुरू किया था भाई,
मैंने रात को सोया भी, मैं लेट था ना 1 बजे, उसकी वजह से भाई। और ट्रेन में मतलब 5 घंटा लेट मेरे से ट्रेन छूट गई। हम लोगों ने 12 बजे तक प्लेटफॉर्म पे बैठे, फिर 12 बजे ट्रेन आई और फिर 5 बजे हम लोग इधर आए भाई। आज की जर्नी मतलब बहुत ख़तरनाक थी। भगवान भला करे ये स्लीपर सीट मतलब बस बनाने वालों की भाई, तो अभी तो आराम से सो जाऊँगा, सीधा घर पर जाके उठूँगा भाई। मेरी तो ताकत बिल्कुल नहीं है व्लॉगिंग करने की, वो तो गाड़ी चलाने के लिए मैं इतना उत्साहित था ना कि थकावट वकावट सब मतलब मैं भूल गया था। तो भाई अभी सीधा मिलते हैं आपको मेरे अहमदाबाद मेरे क्या आप सबके मतलब क्या बोल रहा हूँ यार, थकावट हो रही है। ठीक है, सो रहा हूँ, ठीक है, टाटा बाय बाय। सुबह सभी ना मतलब मैं घर पर पहुँच चुका हूँ एंड मेरे साथ बहुत ही खतरनाक वाला सीन हो गया था। मैं कल इतना थक गया था कि मैं बस में जाते सो गया, मेरे को पता नहीं चला कब ढाबा गया कब साबरमती मतलब आ गया। ठीक है, सीधे साबरमती में जाके मैं उठा एंड उठने के बाद मेरे को ऐसा लगा अभी मैं मतलब सो उठ जाऊँगा तभी मैं सोऊंगा नहीं। तो मैंने मतलब है ना जो कंडक्टर लोग होते हैं ना वो लोग बारी खोल देते कि भाई जब इसका स्टॉप आएगा तब ये उठा, इसको उठाने में आसानी होगी। तो भाई मेरे तो नींद खुली, मैंने सोचा मैं अभी उठ ही जाऊँगा। तो फिर मैंने ना मतलब बारी बंद कर दिया एंड फिर सीधा 6 बजे 4 बजे पहुँच गया था, 6 बजे और 6 बजे तक मैं बस के अंदर सोया हुआ था। और वो भी मतलब बस स्टॉप के बीच, इधर बस का लास्ट स्टॉप होता है उधर जाके बस खड़ी हो गई थी एंकर। मैं आराम से नींद ले रहा हूँ, 6 बजे तक मैंने नींद ली हाय मतलब। फिर उठा और फटाफट से मैं अपने अपने एरिया पे आया भाई। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने R1 को लेके आया था इधर। और तो आइए आप सबको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।